सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की कंट्रोवर्शियल चैट के बाद मचा तूफान अभी थमा नहीं है। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। विवादित कमेंट के लिए दोनों क्रिकेटर्स की जमकर आलोचना भी हुई। अब इस मामले की आज करण जौहर पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। करण जौहर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि महिलाओं पर विवादित टिप्पणी के लिए हार्दिक पांड्या और केएल राहुल समेत कॉफी विद करण के होस्ट करण जौहर के खिलाफ जोधपुर में केस दर्ज हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में पहली बार करण जौहर कानूनी पचड़े में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पांड्या ने चैट शो में करण से बातचीत के दौरान महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे आपत्तिजनक माना गया। दिसंबर में शो को टेलीकास्ट किया गया था। विवाद बढ़ने के बाद ऑनलाइन चैनल हॉटस्टार ने भी इसे अपने चैनल से हटा दिया था। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पांड्या और राहुल को जांच पूरी होने तक निलंबित भी कर दिया गया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर पांड्या ने माफी भी मांग ली थी। भारतीय टीम में अब उनकी वापसी हो गई है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।